सभी लोगों को मेरे चैनल पे, मैं हूं शलता। सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी दिवाली। तो आज सैटरडे है, 26 अक्टूबर है। तो आज ट्रेन में हमारी टिकट है, तो बस उबर बुक कर रहे हैं, अभी हम जाएंगे। और सब कुछ पैक वैक हो गया है, लगेज कंप्लीट है, एकदम रेडी भी है। मंडे को हम उतरेंगे। तो आप सभी लोग दिवाली बहुत अच्छे से मनाइएगा। हम ऐसे मना रहे हैं, मतलब जो दिवाली का दिन है वो तो हम ट्रेन में ही रहेंगे, मंडे को जाकर फिर अपने फैमिली के साथ मिलकर फिर हम दिवाली मनाएंगे, वो ज़रूर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। चलिए अभी घूम के आते हैं और मेरे साथ आप लोग भी कलकत्ता चलिए। तो गोइंग टू कलकत्ता। तो अभी आप लोगों को कुछ दिन कैलकटा वाले ब्लॉग्स मिलेंगे, लाइक हम काली पूजा हमारे वहाँ पे होती है दिवाली में, तो पंडाल दर्शन करने जाएंगे। दुर्गा पूजा में तो नहीं जा पाए, तो चलिए आप लोग भी मेरे साथ देखिएगा कैसे हम लोग दिवाली सेलिब्रेट करते हैं, हम बंगाली लोग। तो चलिए मेरे साथ घूमते घूमते। तो ये रहा हमारे सफ़र का खाना, मैंने बना लिया है। हमारी रात 8:30 बजे ट्रेन है, तो मुझे सारा दिन मिल गया था, तो थोड़ा बहुत जो बना लिया था मैंने, ये मैंने मालपुए बनाए हैं मैदा सूजी दूध और शुगर के साथ डीप फ्राई किया है। और रोटी बनाई है आज रात के लिए, तो डिनर करके तो हम नहीं जा पाएंगे, तो लेके पैक करके जाना पड़ेगा। रात को रोटी के साथ हम ये काले चने की सब्जी बनाई थी मैंने, तो दोपहर को भी मैंने यही ले लिया, तो काले चने की सब्जी लेंगे। और कल सुबह के लिए, कल के दिन के लिए पराठे बनाए हैं और आलू को फ्राई किया हुआ है। और है इधर मैंने मुरमुरा भी ले लिया है, मतलब जो कुरकुरे होते हैं कुरमुरे, तो ये मुरमुरे को मैंने मूंगफली के बादाम और मिर्ची ग्रीन चिली अदरक के साथ मैंने फ्राई कर लिया था, अच्छे से फ्राई करके मैंने पैक करके रखा है, नहीं तो ये नरम हो जाते हैं। तो यही ये वो लंच करेंगे आकर, तो उसका मैंने साइड करके रखा है क्योंकि वो घर पे नहीं है, तेजपुर गए हैं, गुवाहाटी में पड़ता है, तो आते आते उनको शाम हो जाएगी, उसके बाद हमें फिर निकलना है घर के लिए, दुर्गा पूजा में नहीं गए हैं। तो बस, तो खाना मेरा पूरा रेडी है, बस इसे ठंडा करने मैंने दिया है, इसके बाद मैं इसे पैक कर लूँगी। और चलिए आगे आके देखते हैं।
করতে হবে না? হ্যাঁ মামু খুলে দাও, খুলে দাও মামু, ওটা কি হচ্ছে বঙ্কু? খাতা না বঙ্কু, অডি দেখবি না? হ্যাঁ অডির তো কোনো গিফটই নেই, তো বঙ্কার গিফটটাই অডিকে শেয়ার করতে হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ বঙ্কাকে বঙ্কার গিফট অডিকে শেয়ার করতে হবে, তাই তো অডি? তুমি শেয়ার করবে তো? আস্তে 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 আস্তে, এগুলোকে ওলট পালট করতে হবে। অ্যাকচুয়ালি ওটা তো অ্যাক্টিভিটি বুক, বই পড়ো তুমি। হ্যাঁ এটা অ্যাক্টিভিটি বুক, এগুলোকে এগুলো যে ভেঙে যাবে, করো আরে করো, এরকম করে ভেঙে এবার লাগাতে হবে। খুঁজতে হবে না ওর ভেতর থেকে, খুঁজতে হবে ওর ভেতর থেকে। এই দেখো এটা কি, অডিকে তো আমরা গিফটই দিতে পারলাম না, লাইন কমপ্লিট হয়ে যাচ্ছে। দেখো ভাই ভি দিদি লাইন কমপ্লিট করে ফেলছে, বেলু হাফ হয়ে গেছে, দিদি লাইন কমপ্লিট করে না, দেখো ভালো করে ফোল্ডও করে দিল না, ভালো লেগেছে? হ্যাঁ ভালো লেগেছে, মার্ভেল আগে কমপ্লিট করেছে আর এইদিকে ডিসি কমপ্লিট করেছে, আবার তুই কি করলি? Hey guys, तो हम लोग आ गए थे, हाँ 11 बजे तक आ गए थे, तो आके फ्रेश हो गए, फ्रेश होकर बस दोपहर को खाना वाना खा लिया, बहुत सबसे बातें वगैरह की, दोपहर को खाना खा लिया, फिर अच्छे से एक नींद दिया है, मतलब 2-3 घंटे आराम से सोए हैं हम दोनों। उसके बाद मतलब इतना शाम हो गया पता ही नहीं चला, इतना टायर्ड भी थे। मेरी जर्नी तो चलो सैटरडे से हो रही थी, उससे 2 दिन से पहले उनकी जर्नी हो रही थी, कंटिन्यू उन्होंने जर्नी की है, तो बस उसके बाद हम सो गए थे। और हमने हाँ शियालदा से हावड़ा से क्या किया, वो ट्रेन हमारी हावड़ा तक रुकी थी, हम लोगों ने हावड़ा मेल पकड़ी थी, बॉम्बे टू आए थे, उसके बाद हमने एक टैक्सी ले ली थी, टैक्सी लेकर हम लोग शियालदा आए थे, शियालदा से फिर घर तक लोकल ट्रेन पकड़ के आ गए थे, क्योंकि सुबह का टाइम था तो ट्रेन में इतने भीड़ भी नहीं थी, तो आराम से आ गए थे। आकर घर पे आके खाना वगैरह सब कुछ खाए, फ्रेश फ्रेश हुए, अच्छी सी नींद हुई, अभी बस रेडी हो गई हूँ। रूम तो फैला हुआ है, रूम उतने अच्छे से मैंने अभी कुछ भी नहीं किया है, क्योंकि अभी आए हैं, इतना टाइम नहीं मिला है, तो अभी थोड़ा रेडी हो गई हूँ, मेरे घर जाएंगे और बस मम्मी से मिलेंगे थोड़ा, उसके बाद शाम को बुकिंग है, मतलब रात को खाना वाना खाकर फिर हम पंडाल दर्शन के लिए जाएंगे। यहाँ पे काली पूजा होती है दिवाली के टाइम, तो बहुत मस्ती होती है, तो कल तो भाई दूज है, भाई दूज के लिए भी रेडी होंगे, तो शाम को रात हाँ 10:30 बजे एकदम खाना वगैरह सब कुछ खा के, पर हाँ बाहर जाकर फुचका वगैरह तो खाएंगे, तो खा के पंडाल वगैरह दर्शन करेंगे। तो चलिए मेरे साथ पंडाल दर्शन कर लीजिए, हमारी दिवाली कैसे हम सेलिब्रेट करते हैं वो भी देख लीजिए। तो चलिए चलते हैं, नेक्स्ट क्या क्या होता है।